So, I request you, Dr. Mann sir, to please start the session. Welcome, sir. Welcome. Okay. तो आज लाइकोपोडियम करते हैं हम, उसमें डिस्कशन करते हैं, उसमें पार्टिसिपेशन करना आपने, कैसे हम लाइकोपोडियम को अप्लाई करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है उसका, जो लाइकोपोडियम का, वो पल्साडिला के साथ, कॉकुलस के साथ माइल्डनेस है, यील्डिंग डिस्पोजिशन है। पहले हमें यही था ना कि शायद पल्साडिला ही माइल्ड एंड यील्डिंग है, तो माइल्ड है, यील्डिंग है, बट लाइकोपोडियम हेल्पलेसनेस है। क्यों वो माइल्ड है, क्यों वो यील्ड करता है? बिकॉज ऑफ हिज हर हेल्पलेसनेस फीलिंग ऑफ कावर्डस, डरपोक है, एंगर एब्सेंट पर्सन जेट, कोई है नहीं है पास तो गुस्सा आएगा, नहीं तो कावर्डस है, वो हिम्मत नहीं कर पाएगा बोलने की, फिर वो सामने फेस पे गुस्सा नहीं करेगा, एंगर नहीं करेगा। इन ऑल दीज रूब्रिक्स लाइकोपोडियम अलोन वर्क्स, इट्स सिमिलर रूब्रिक्स, यील्डिंग डिस्पोजिशन, हेल्पलेसनेस फीलिंग इज क्लोजर टू पल्साडिला एंड कॉकुलस, बट देयर इज वन डिस्टिंक्शन इन लाइकोपोडियम, द फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस इज मस्ट। तो उनमें हेल्पलेसनेस पल्साडिला कॉकुलस में नहीं है, लेटर ऑन बेसिक पल्साडिला अब मेरे ख्याल ऐड कर दी है। On the basis of these rubrics, those cases have been treated where calculus pulsadilla were given instead of lycopodium, then lycopodium given when calculated that he is she is helplessness, that is why he yield kar raha hai, mild hai, to wo aise cases theek hone shuru hue. Aapko bhi aise hi hoga, bahut shuru mein aise hamare paas bhi hota raha hai. जो जो आप डीप चले जाएंगे और स्टडी करेंगे माइंड रूब्रिक्स की, माइंड सेक्शन की, तो आपको डिफरेंशिएट होता जाएगा। और जो इसके रूब्रिक्स हैं इंपॉर्टेंट, इसके साथ ही सेकंड ग्रुप है क्वारल वर्जन टू कॉवर्डस, वही के ड्रपोक है, इसलिए उसमें क्वारल वर्जन टू है। बट वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज हार्ड फॉर इंफीरियर्स, सॉफ्ट फॉर सुपीरियर्स, कोई बॉस है कहीं भी है किसी भी फील्ड में, तो उस प्रति बहुत जी हजूरी, बहुत सॉफ्ट होना, जो इन्फीरियर है उसके प्रति बहुत हार्ड बिहेवियर होना। फैमिली से बहुत अस्टेंज होता है लाइको वाला जी, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बेशक एल्डर्स में है, खास करके लेडीज में, बेशक बच्चे चिल्ड्रन में है, अस्टेंज फैमिली फ्रॉम हिज बींग काइंड विद स्ट्रेंजर्स बट नॉट विद His entourage and family, aunt guand जो नजदीक वाले हैं, entourage है, आले दुआले है, family वाले हैं, उनसे वो strange है, पर जो उसके दूसरे वाले हैं उनके प्रति वो बहुत mild nature होती है उसकी। अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे की complaint आती है कि बहुत शरारती है, बहुत dictatorial है, पर जब पता लगता है, पता पूछते हैं हम कि स्कूल में कैसे है, वो कहते हैं स्कूल में तो इसकी मैडम इसका इतना ज्यादा प्रेज करती है कि ही इज सो नाइस इन स्कूल। ऐसी कोई लेडीज है कि घर में बहुत गुस्से वाला स्वभाव, बाहर वाले उसकी इतनी प्रेज करते हैं, वो मानते नहीं है कि फैमिली वाले गलत कह रहे हैं, इसकी नेचर तो ऐसी नहीं है, ये तो बहुत नाइस है, बहुत अच्छा स्वभाव है इसका। तो जो फैमिली में नहीं है, एंटूरेज में नहीं है, आले दुआले में नहीं है, उनके प्रति बहुत हार्ड डिक्टेटोरियल, पर जो दूसरे वाले हैं वो उनके प्रति बहुत उसका अच्छा स्वभाव होना, काइंड फॉर स्ट्रेंजर, डिक्टेटोरियल डोमिनेटिंग। हियर वी हैव सॉल्वड दोज केसेस वेयर द पेशेंट क्वारल्स एट होम विद यंगस्टर्स बट इज ए कॉवर्ड आउटसाइड, ही इज वेरी जेंटल फॉर आउटसाइडर्स but not towards his family, he is a very nice person in the opinion of others, dusre kehte hain ki bahut acha hai. Among the children, the child beats the youngsters, rubric is rage striking with, apne bhai behan hai unko peet dena, strike karna, but is a coward outside or he poses to be brave in front of inferiors,
he is dominating dictatorial intelligent. There is in world desire to study diligent. He has a strange fright, cannot talk in public, but when starts talking, then he is all right, okay. He can speak so much at stage. He can, if a advocate can do discussion with the judge. Rubric hai uska timidity talk in public to. Usme sab rubric mein jab hum jaate hain, jet capable to. Only like a podium hai. Ke kahin stage pe jana hai, kahin bolna hai. Usme bahut timidity hai. पर जब उसको एक बार बहस करना शुरू कर देता है, बोलना शुरू कर देता है, तो फिर वो कैपेबल है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका पार्ट. लाइकोपोडियम वाला कहीं भी आपको पता चले ऐसी कोई नेचर है किसी पर्सन की, उसमें ये पार्ट है. जो एक जो हमने प्रैक्टिकली अप्लाई करते गए, डिफ्रेंशिएट करते गए इन केसेस ऑफ चिल्ड्रन, तो अल्टीमेटली हमने पाया ये रूब्रिक है जो मैं आपको बोल के सुना रहा हूं. फियर गोस्ट्स ऑफ इवनिंग नाइट, फियर डार्क ऑफ, फियर रूम ऑन एंटरिंग द रूम. कि बच्चा है, पेरेंट्स बोलते हैं कि अंधेरे से डरता है, कमरे में नहीं जाता. तो हम एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं मैं तो, कि आप ये बताओ कि किस चीज से डरता है. क्या भूत से डरता है या चोर से डरता है, गोस्ट और थीफ? तो वो अमूमन अक्सर बताते हैं कि जे भूत से डरता है, कमरे में नहीं जाता, अंधेरे में नहीं जाता. तो ये रूब्रिक है जो फियर गोस्ट ऑफ, फियर डार्क ऑफ, फियर रूम ऑन एंटरिंग द रूम, के कमरे में नहीं जाएगा फिर वो. तो हमें सैकड़े हंड्रेड एंड हंड्रेड केस जैसे जो फिर लाइको पे जाके लाइको से ठीक हुए हैं हमारे. इसका डीडी मैंने दिया हुआ है, सिट्रामोनियम. इन सिट्रामोनियम देयर इज नो फियर ऑफ गोस्ट्स एट नाइट, ही फियर्स डार्कनेस एंड देन ही सर्टनली से आई एम फॉलोड बाय गोस्ट्स. बट डायरेक्ट अगर उनसे पूछेंगे कि कमरे में एंटर नहीं करना, अंधेरे से डरता है, उसका क्या कारण है, तो वो डेफिनेटली यही निकलेगा कि जे पूछ से रहता है, फियर गोस्ट साफ है. आप कभी भी अप्लाई करें और आपको रिजल्ट मिलेंगे. इतनी कोई हिस्ट्री लेंगे अगर आप इन चिल्ड्रन केस. ऐसी इसका इंपॉर्टेंट रूब्रिक है, डिलूजन परस्यूड गोस्ट सवाई. एक्सक्यूज मी सर, उसके पीछे लगे हुए हैं भूत हैं जो परस्यूड गोस्ट सवाई. मेनी केसेस हैव बीन सॉल्वड बाय दिस सेट, नीड इज ओनली टू यूजिंग दिस टेक्निक and not get hooked by drug pictures. Drug picture पे ना जाएं. कुछ drug picture हैं हमारे पास जो हमारे गुरु डॉक्टर एम एल सहगल ने किंगपिन उनके निकाल के दिए. काश वो जीते, लंबी उम्र होती, पता नहीं कितना कुछ उन्होंने और कर जाना था. तो वो भी है कि कुछ drug pictures है, clear cut है. Otherwise rubric बनाएं और पार्टराइज करें. फिर उसका आ जाता है बूस्टर रिच मिशन टू बी कंसीडर्ड है. बूस्टर कि मैं अपने आप को अमीर शो करना, पावर लाभ ऑफ के पावर हो मेरे पास जैसे पॉलिटिशियन होते हैं. एम्बिशन मनी टू मेक, पैसे बनाने की बहुत इच्छा, एम्बिशन होना. एम्बिशन मींस एम्प्लॉयड एवरी पॉसिबल, कि कोई भी उसको मींस अप्लाई करने पड़े वो करेगा, कैसे भी करें उसको पैसा चाहिए. टोटल जैसे अमूमन इन एवरी कंट्री जो पॉलिटिशियन होते हैं जिनकी जो नेचर होती है, पावर लाभ ऑफ होती है, एम्बिशन मनी टू मेक है, मींस अप्लाइड एवरी पॉसिबल, हार्ड फॉर इंफीरियर्स, डिक्टेटोरियल वो होती हैं. तो ये पार्ट है जो इसका वो भी लाइको में आ जाता है. बूस्टर रिच विश के दूसरों को लगे कि ये तो बहुत अमीर है, इसके पास बड़ी कोठी है, बड़ी कार है, ऐसे है. देयर इज लव फॉर पावर एंड चेयर, ही इज बूस्टर एंड वांट टू बी कंसीडर्ड रिच, ही कैन यूज एनी मींस टू अचीव द गोल, ही इज डिक्टेटोरियल डोमिनेटिंग फॉर वीक पीपल,
बट फ्लैटर इज द पावरफुल, जो बड़े हैं बॉस हैं उनके वो पैर चूमेगा, पैरों के चुकेगा, पर जो इन्फीरियर हैं, जो छोटे हैं, उनको बहुत डिक्टेटोरियल होता है। ऐसी एक केस मैंने लिखा है, एक लड़की का था, ए गर्ल सफरिंग फ्रॉम सम प्रॉब्लम विद कन्फ्यूजन वाइल स्टडिंग और रीडिंग, डिफिकल्ट कंसंट्रेशन एंड स्किन इरप्शन, शी वॉज अनएबल टू यूज हर ब्रेन ड्यू टू कन्फ्यूजन ऑफ माइंड, शी हैड द फीलिंग ऑफ बीइंग एस्ट्रेंज्ड बाय हर फैमिली मेंबर्स, फीलिंग ऑफ बीइंग एस्ट्रेंज्ड बिकॉज शी वॉज ब्रॉट अप बाय देयर बाय हर अंकल एंड आंटी, हर फादर है डाइड वेन शी वॉज इन दी वेन हर मदर वॉज प्रेगनेंट एंड हर मदर लेफ्ट हर विद हर अंकल एंड आंटी, शी पास्ड ए वेरी डिफिकल्ट चाइल्डहुड, शी वॉज गिवन मेडिसिन ऑन द बेसिस ऑफ बींग एस्ट्रेंज्ड फ्रॉम फैमिली, काइंड फॉर स्ट्रेंजर्स अलॉन्ग विद अदर फॉलोइंग रूब्रिक्स। एक लड़की थी जिसके फादर की डेथ हो गई थी जब वो उसकी आपके मम्मी के पेट में थी, आफ्टर डिलीवरी उसकी मम्मी ने भी उसको उसके अंकल और आंटी के पास छोड़ दिया और चली गई कहीं और मैरिज करा ली थी। जो और रूब्रिक थे उसके, एक तो ये था ही एस्ट्रेंज्ड फैमिली फ्रॉम हिज बीइंग काइंड विद स्ट्रेंजर्स बट नॉट काइंड विद हिज फैमिली एंड एंटूरेज, फॉरसेकन बिलव्ड बाय हिज पेरेंट्स नॉट, कन्फ्यूजन डेली अफेयर्स अबाउट, जो उसमें कन्फ्यूजन था वो स्टडी नहीं कर पाती थी। तो अगर आप कन्फ्यूजन रूब्रिक पे जाएंगे तो उस पे सिंगुलर थी, आप पता नहीं बहुत सारी बेल और एडिशन हो रही हैं, कन्फ्यूजन डेली अफेयर्स अबाउट सिंगुलर, कन्फ्यूजन फ्रॉम मेंटल एग्जर्शन वाइल रीडिंग, फिर कंसंट्रेशन में था ऐसी, कंसंट्रेशन डिफिकल्ट, कंसंट्रेशन अवर्जन टू वाइल कैलकुलेटिंग वाइल स्टडिंग रीडिंग वाइल, तो ये पार्ट भी उसका कंसंट्रेशन और कन्फ्यूजन वाला था। साथ साथ में हेल्पलेस फीलिंग थी, मदर फादर की डेथ हो गई, मदर छोड़ के चली गई, लाफिंग इनवॉलंटरली येट जॉयलेस, जो हम लेते हैं बेलाडोना में उसमें लाइको भी है और बेट भी आ जाती है साथ में, लाफिंग इनवॉलंटरली येट जॉयलेस, एलिमेंट्स फ्रॉम अब्यूज्ड बीइंग, उसकी मदर छोड़ के चली गई, डिलूजन अनफॉर्चुनेट शीज अनफॉर्चुनेट फील्ड क्वार वर्जन टू कॉवर्डस, ये सारा कुछ उसमें अगर निकाल लेते हैं केस, अगर आप पूरा देखना चाहते हैं तो आप इस आपको मिल जाता है उस मेडिसिन का। आप ऐसे करिए कि जरूर आपके पास मटेरियल मेडिका माइंड, परफेक्ट मटेरियल मेडिका बाय डॉक्टर सैगल ब्रदर्स, वो भी आपके पास होनी चाहिए। माइंड सेक्शन में जो है रेपर्टरी का, वो उसमें भी आप डेली जैसे रिलीजियसली पाठ करते हैं, रिलीजियसली कुछ डेली आप अपने अपने रिलीजन के मुताबिक करते हैं, ऐसी होम्योपैथी के जो माइंड सेक्शन है उसमें प्लीज आप डेली 15-20 pages, 10 pages उसमें आप डेली जाएं, से रीड करें, उनके मीनिंग नोट करें। तो ये केस था। ऐसी एक और केस मैंने दिया है कि बलविंदर पाल, एज 45 years, क्रॉनिक अल्सरेशन इन साइड चीक्स था उसके विद डीप क्रैक्स फ्रॉम 3 years, द पेशेंट कंसल्टेड ए स्किन स्पेशलिस्ट इन राउंड गवर्नमेंट राजेंद्रा हॉस्पिटल पटियाला इन पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट चंडीगढ़, ही वॉज कैप्ट ऑन बेटनिसोल, ही वॉज हैविंग डिफिकल्टी टू ईट एंड ड्रिंक, ही वॉज ए क्लॉथ मर्चेंट, हिज वाइफ एंड सन टोल्ड दैट ही इज डोमिनेटिंग इन नेचर एंड एंग्री विद वाइफ एंड चिल्ड्रन बट वेरी गुड विद आउटसाइड, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, वेरी गुड काइंड फॉर अदर्स, आउटसाइड से बलविंदर पाल सिंह इज ए वेरी वेरी नाइस पर्सन एंड देयर इज नो कंपैरिजन ऑफ हिम, बाहर वाले तो इतनी उसकी प्रशंसा करते हैं। आई नोटिस्ड ही वाज इनवॉलंटरली स्माइलिंग, आई वर्कड आउट द फॉलोइंग रूब्रिक्स, वही डिक्टेटोरियल डोमिनेटिंग, वही एस्ट्रेंज्ड, वही काइंड फॉर स्ट्रेंजर्स, स्माइलिंग इनवॉलंटरली, तो वही लाइकोपोडियम 30 सिंगल डोज दी,
जी मेरा 95 का केस है, 28 अप्रैल 95 का। तो उसके बाद कंटिन्यूसली उसको पीएल देते रहे, 13 मई को पीएल, 10 जून को पीएल, 7 जुलाई को पीएल, 14 अगस्त को पीएल, 30 अगस्त को पीएल। नो नीड है टू रिपीट और टू चेंज दी पोटेंसी विद सिंगल डोज ऑफ लाइकोथर्टी। दैट पेशेंट, क्रॉनिक पेशेंट, दैट हु हैड गोन टू a renowned postgraduate institute of Chandigarh and was on steroids, was cured with lyco, with the doctors of homeopathy study circle Sangalur. Hum bahut study circle chalaya, bahut zyada humne jo nature hai meri bhai di be perseverance ki, ki aap kamal manenge ki 94 se 6 year up to 2000 Sangalur mein hum class chalate rahe once a month। डॉक्टर संजय सहगल सर या डॉक्टर जगेश सहगल दिल्ली से आते थे बाई ट्रेन, सर्दी में भी, इतनी फॉगी वेदर में भी वो आते, फिर हम उनको तुरी में रेलवे जंक्शन है 15 किलोमीटर वहां छोड़ के आते इतनी फॉगी वेदर में। और हमने 6 साल कंटिन्यूसली करे, हम पंजाब के 50-60 डॉक्टर आते थे संगरूर में, हम 100-150 रुपीज कंट्रीब्यूट कर लेते थे, खाना खाते थे, स्टडी करते थे और सर को आने जाने का पे कर देते थे। मोटिवेशन फॉर अस, होम्योपैथी स्टडी सर्कल संगरूर हैज वेरीफाइड द रिजल्ट्स ऑफ लाइकोपोडियम इन डिफरेंट केसेस ऑन दिस रूब्रिक, स्पेशली स्ट्रेंज बीइंग काइंड विद स्ट्रेंजर्स। एक और जो केस है लाइको का, एंबिशन मनी टू मेक, एंबिशन मींस एम्प्लॉयड एवरी पॉसिबल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसका लाइको का जो है। A person age 25 years working in a private flour mill thought of making money, why anyway? अभी भी वो लड़का मेरे पास आता है, 95 का बात है, कभी कभी आ जाता है, कोई मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। उसने मेरे को बताया कि सर मैं उस फ्लोर मिल में काम करता हूँ, उसमें धूरी में था गवर्नमेंट होम्योपैथी डिस्पेंसरी, सर मैंने ना एक और रिसिप्ट बुक तैयार करा ली जाली पैसे बनाने के लिए, और मैं एक और उनकी ओरिजिनल थी, एक मेरे पास एक नकली थी, और सर मैंने खूब पैसा कमाया इससे, कोई भी मेरे को कुछ भी करना पाए पैसा चाहिए मेरे को। ए पर्सन 25 ईयर वर्किंग इन ए प्राइवेट फ्लोर मिल थॉट ऑफ मेकिंग मनी बाय एनी वे, इट एंटर्ड टू हिज माइंड टू ग्रेस्प मनी मनी एंड मनी, सो ही प्रिपेयर्ड फॉल्स रिसीप्ट बुक्स, बिल बुक्स टू डू फ्रॉड विद फूड एजेंसी, but later on caught up in the beginning, but put in police custody for 4 days, he remained under treatment from a psychiatrist, but no change came in his thoughts, then someone told to consult me, and I just went through these two rubrics, and the medicine was single in two rubrics, lycopodium, he got rid of these thoughts just within 5 days, to wo ladka kehta ke within 5 days usme वो जो फीलिंग थी ना कि टू अर्न मनी बाय एनी मींस, एंबिशन टू मेक मनी, एंबिशन मींस अप्लाइड एवरी पॉसिबल, तो वो इससे ठीक हो गया था। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका लाइकोपोडियम का, इसमें से कुछ भी आपने, कोई भी आपके मन में क्वेश्चन आता हो वो आप मेरे को कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू। किसी ने लाइको पावर को एक्सप्लेन करते हैं प्लीज, किसी ने लाइको अप्लाई की हो? सर लाइको ज्यादातर हम टिमिडिटी में हम बहुत बार इस्तेमाल करते हैं, पेशेंट शुरू में बात करने को झिझकता है और फिर बाद में जो बताना शुरू कर देता है कि बस आप मतलब आपको लगता है कि ये बंदा वही है जो शुरुआत में था। हाँ हाँ हाँ, वो का ना जो कैपेबल टू टी डब्लू यस एंड एबल टू कोप अप व्हेन टाइम कम्स, बहुत बार हम लोग टिमिडिटी में यूज करते हैं। और इसको स्टेंड वाले को आप जरूर अप्लाई करेंगे, चिल्ड्रन में भी और एल्डर्स में भी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हाँ हाँ जी सर। जब वो उसका फैमिली मेंबर होगा ना, एक मेरे पास अब भी वो आती है, डॉक्टर है हमारी, वो उसके पापा आए कि मेरी बेटी बहुत अपसेट है, फिर उसने टोटल स्टोरी मेरे को बताई कि कैसे हुआ। कहते हम रिश्ता करने के लिए गए, वो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, उसके जो फादर इन लॉ बने हैं, हम गए, उन्होंने फादर इन लॉ ने मेल मेंबर होके हमें इतनी सर्व किया, फूड सर्व किया, टी सर्व की, हम इतना खुश हो गए
कि एक इतना सीनियर प्रोफेसर हो के इतना अच्छा हो सकता है। कहते उस समय मेरी बेटी के एंगेजमेंट के लिए हम देखने के लिए गए थे, फैमिली मेंबर नहीं बने थे। जब मेरी बेटी की मैरिज हो गई, फैमिली मेंबर बन गई, फिर जितना रूड बिहेवियर था वो उसी फादर इन लॉ का था, नॉट विद फैमिली मेंबर, काइंड फॉर स्ट्रेंजर। ऐसे तो मैंने तो बहुत सारे केसेस देखे हैं। और सर आपने जो बताया एम्बिशन इंक्रीज मींस एम्बिशन इंक्रीज टू मेक मनी, और आपने जो बंदा बताया कि ही वाज मेकिंग फ्रॉड मनी, उसको सर एक रूब्रिक है कि मॉरल फीलिंग वांट ऑफ क्रिमिनल विदाउट रिमोर्स, डिस्पोजिशन टू बिकम अ क्रिमिनल विदाउट रिमोर्स, ये दोनों को आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि इसमें लाइकोपोडियम नहीं है सर। मैं ज्यादातर अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करता है कोई पेशेंट, तो ज्यादा प्रेफर करता हूं सर, मॉरल फीलिंग वांट ऑफ डिस्पोजिशन टू बिकम अ क्रिमिनल विदाउट रिमोर्स। इसमें अगर वो किसी को किसी की पिटाई कर देता है, किसी का मर्डर कर देता है, बस क्राइम वाला कुछ ना कुछ होना चाहिए उसमें, है ना, क्राइम वाला पार्ट होना चाहिए। हाँ, क्योंकि फ्रॉडुलेंट में भी लाइकोपोडियम है मेरे ख्याल से, नहीं सर? हाँ, क्लेप्टोमेनिया में भी है सर, है ना? क्लेप्टोमेनिया भी हो सकता है, हाँ डेफिनेटली। और जो पार्ट जे है पर हमने अप्लाई किया, जैसे हम चिल्ड्रन में डिफरेंशिएट करते हैं, इंजेक्शन से डरता है, अंधेरे से डरता है, क्लिंकिंग है, नहीं है, प्लेफुल है, बैड डिजायर है, तो करते करते जब ये बात आ जाती है कि इसमें अंधेरे से डरता है, इंजेक्शन से नहीं डरता है, अंधेरे से क्या डर लगता है, भूत से डर लगता है, तो लाइको से बहुत सारे केस जो सॉल्व हुए हैं हमारे। और सर मेरा एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन ये है लाइको के बारे में, मैं हम लोग कुछ हमारे डॉक्टर्स में भी ये हम लोग शेयर किए, उसके लिए कोई रूब्रिक नहीं मिल पा रहा है। लाइकोपोडियम के बच्चे को उसके फॉल्ट्स जब पेरेंट्स बताते तो उसको पसंद नहीं आता है, तो घर जाके माँ को डांटेगा कि आपने क्यों बताया। ये एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन बच्चों में हमको बहुत बार मिला है सर, उसके लिए रूब्रिक उनका मिल नहीं रहा है। किसको क्या बताया, किसको? जैसे लाइकोपोडियम का कोई बच्चा है, उसकी कोई गलती है, या वो जैसे नहीं उसको फ्लैटस पास करता है, या बेड वेटिंग करता है, या कुछ भी उसकी जैसे उसको पढ़ाई नहीं आती है, या गाना नहीं गा सकता, या कोई गलती, ये चीज अगर उसकी मतलब उसकी खामी अगर कोई बता रहा है क्लिनिक में, उसको पसंद नहीं आता है सर, ये दिस इज अ प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइकोपोडियम चाइल्ड वी हैव सीन। अच्छा अच्छा, नहीं ऐसे तो कोई रूब्रिक नहीं है, नहीं हमारे मतलब हमारा 20-22 डॉक्टर्स का ग्रुप है, ये हमने कंफर्म किया सर सब में। अच्छा अच्छा, हाँ मतलब रेट्रोस्पेक्टिवली हमने ये ढूंढा था कि ये बच्चे जो ठीक होते हैं उसका बजट है ना। और सर हिपोक्रेसी में लाइकोपोडियम नहीं है। अच्छा, हिपोक्रेसी में नहीं है, ओके सर। वो देखे ना अपनी माँ से लड़ता है ना, बाहर कोई बात नहीं करता, तो वो क्वाड्रस है ना, वो मतलब बुजदिल है, लेकिन जो स्ट्रेंजर के साथ वो पोलाइट है, माँ के साथ क्योंकि वो फैमिली मेंबर है उसके साथ लड़ता है, ये क्रॉस चेक करके फिर हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते। नहीं ये प्रैक्टिकल हमारा ये तजुर्बा है, ये इसलिए मैं चूंकि लाइकोपोडियम की बात चल रही थी इसलिए शेयर किया। सर उसी उसी चीज है तो अपने लाइकोपोडियम एक्सपीरियंस शेयर करें सर, लियाकत सर प्लीज। और 77 डॉक्टर जाए आप पार्टिसिपेट कीजिए प्लीज। सर लाइकोपोडियम जो है फियर ऑफ इंजरी एंड फियर ऑफ सफरिंग में भी नहीं है, मगर फियर ऑफ पेन में है। तो कई बार पेशेंट बोलते हैं ना कि भाई मुझे ये तकलीफ वो तकलीफ, अगर आपने फियर ऑफ सफरिंग या फियर ऑफ पेन लगा दिया तो लाइको बाहर निकल जाता है उससे, तो वो बहुत गौर करने वाली बात होती है कि जब वो किसी सफरिंग की बात कर रहा है तो वो पेन की बात कर रहा है या सफरिंग, क्योंकि अगर पेन आपने नहीं लिया तो लाइको आएगा ही नहीं, क्योंकि फियर ऑफ पेन में ही लाइको है, सफरिंग में और इंजरी में नहीं है। ओके ओके, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है, थैंक यू सीमा जी, बहुत अच्छा बताया आपने। ऐसी पार्टिसिपेट कीजिए, हमारी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि मैंने लेक्चर दे दिया और हम चले गए।
लियाकत सर ने कहा है कि ये जो बच्चा है, बच्चा अगर माँ के सामने उधर वो उसको पसंद नहीं आता, माँ बोल रही है, कोई बता रही है उसकी जो जो भी है उसमें खामी है वो बता रही है, तो बच्चे को पसंद नहीं कर आता, तो बच्चा बाद का जो है वो जाहिर है बोलेगा कि भाई ये क्यों बता रही हो, तो उसमें हम मेडल्स हम नहीं लेते, मेडल्स हम नहीं, मेडल्स हम मतलब किसी और की बात में नाक अपनी नाक को पस, ये करना, यू पोकिंग योर नोज इन अदर्स मैटर इज मेडल्स, ये तो मैटर उसका खुद का चल रहा है। ठीक ठीक होगा, ठीक होगा सर, ठीक समझे ना शाकिर जी? जी 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 सर, ठीक है जी। इतना पार्टी लाइको का अप्लाई करें, चिल्ड्रन में जो है फियर डार्क, फियर वुमन एंटरिंग, फियर घोस्ट हो गया, एम्बिशन मनी टू मेक, एम्बिशन अप्लाई सबवर्जन टू होस्ट, डॉक्टर डिक्टेटोरियल पावर लॉ ऑफ हो गया, तो जो है टिमिडिटी में है, टॉक इन पब्लिक टू बट कैपेबल टू, ये पार्ट है जो इसका जो तीन चार पार्ट हमने डिस्कस किए हैं, इसको अप्लाई करें, कंफर्म करें, रीकंफर्म करें और हमें बताएं, फिर बाद में ऐसे करें। सर ये अमोनियम का डिफरेंस बता दें इसके साथ ना, जो आपने बताया था, प्लीज उसे रिपीट कर दें। उसमें तो फियर इंजर्ड बहुत है ना, फियर डार्क, फियर इंजर्ड, और तीसरा हम लेते हैं क्लिंगिंग है, तीन लेते हैं। हायोसेम्स में फियर डार्क अब ऐड कर दी है, अगर फियर इंजेक्शन फियर डार्क लेते हैं तो उसमें इंक्विजिटिव बहुत ज्यादा होता है, क्लिंगिंग नहीं है। तब हम पूछते हैं कि कितने को क्वेश्चन पूछता है, वो कहते हैं बहुत क्वेश्चन ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, हम कई बार रिप्लाई भी नहीं दे पाते। डॉक्टर साहब इतना इजी, हमने तो ये डीडी बनाया हुआ है ना, एक दो मिनट में केस निकल जाते हैं, बहुत सवाल करते हैं इसको। और एक प्रैक्टिकल टिप ये है सर, स्ट्रैमोनियम को डिफरेंशिएट करने के लिए, मतलब हायोसेमस और स्ट्रैमोनियम और हायोसेमस और लाइकोपोडियम को डिफरेंशिएट करना है तो स्लीप पोजीशन देना है, लाइकोपोडियम स्ट्रैमोनियम स्लीप पोजीशन एब्डोमेन में है सर, हायोसेमस स्लीप पोजीशन एब्डोमेन में नहीं है। ओके, ये प्रैक्टिकली मैं बहुत बार, कई बार हम स्ट्रैमोनियम और हायोसेमस में अटक जाते हैं ना, तो स्लीप पोजीशन एब्डोमेन अगर रहा तो वी प्रेफर गोइंग टू स्ट्रैमोनियम। ओके ओके ओके, ठीक है। मतलब चूंकि हम लोगों के पास इतना समय नहीं होता है सर ना पेशेंट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रूम में सर जाने से, रूम में एंटर होने से क्यों डरता है, रूम में एंटर होने से? एक तो फिर एट नाइट ऑफ गोस्ट्स हो गया ना, तो तीसरा फिर आपने बताया था एंटरिंग ऑन रूम, ही इज फियरफुल ऑफ एंटरिंग ऑन रूम इन रूम। हाँ, तो वो कमरे में जाने से डरता है कि गोस्ट होगा वहां पर, गोस्ट होगा, ठीक है। हाँ, फिर आप अगर रॉबर्ट का हो तो अल्मीना आ जाती है, अगर फियर रॉबर्ट हो तो अल्मीना आ जाती है, फियर रूम ऑन एंटरिंग, फियर डार्क, फियर रॉबर्ट, तो अल्मीना आ जाती है। ठीक हो गया सर। और उसका कावर्ड इज बहुत मार्क्ड है ना सर, फियर एंटरिंग रूम जो होता है ना, रूम के अंदर क्या होता है ना, लिमिटेड एटमोस्फियर होता है, तो लाइकोपोडियम को लिमिटेड में बहुत तकलीफ होता है। हाँ, ओके। क्लास्ट्रोफोबिया को, हाँ, नैरो प्लेसेस का आप बता रहे हैं ना, हाँ, हाँ, क्योंकि नैरो प्लेसेस में क्या होता है ना, तारिक सर आप सुनिए, उसको अगर हम मेटाफरिकली लेंगे ना क्लास्ट्रोफोबिया को, तो क्या होता है ना, अटेंशन आपकी तरफ आना शुरू हो जाता है, आप जब नैरो प्लेसेस में जा रहे हो ना, तो देन अटेंशन, जैसे आप मान लो कि आपके रूम में 20 लोग हैं, जैसे अभी यहाँ पर 70 लोग हैं, आप समझ लीजिए, और जैसे जैसे मान लो कि लियाकत, डॉक्टर लियाकत लाइकोपोडियम है, डॉक्टर लियाकत का नंबर 30 है, तो जैसे जैसे एक एक आंकड़ा करीब आएगा ना, तो अटेंशन उसकी तरफ आएगा, तो चूंकि लाइकोपोडियम में टिमिडिटी अपेयरिंग इन पब्लिक है, टिमिडिटी अपेयरिंग इन पब्लिक टॉक टू है, तो वैसे वैसे उसकी एंग्जाइटी बढ़ते जाएगी, तो क्लॉस्ट्रोफोबिया को आप इस तरीके से भी ले सकते हो, व्हेन इट बिकम्स नैरो नैरो नैरो, इट गेट्स क्लोजर टू यू, सो योर रियल पर्सनालिटी इज सीन बाय द पीपल, वेयर एज लाइकोपोडियम इज वेरी अफ्रेड ऑफ शोइंग हिज रियल पर्सनालिटी। एंड सर दिस इज बैशफुल, ही डज नॉट वांट टू बिकम सेंटर ऑफ अदर्स अटेंशन, दिस इज बैशफुल,
because he does not want his flaws and his shortcomings to be known by people. अगर उसकी कमजोरियां लोगों को पता चल गई तो फिर उसका पावर लॉब चला, उसका जो पावर है, जो इमेज उसने बना के रखी है, वो थोड़ी सी तहस नहस होने का चांसेस होता है. दिस इज व्हाई क्लॉस्ट्रोफोबिया. नक्स वामिका में भी लव ऑफ पावर तो होता है ना, तो हाउ टू डिफरेंशिएट इट विद नक्स वामिका. नहीं, उनका तो अभी किसी ने ऐड की होगी, ये देखना पड़ेगा ना कि किसकी एडिशन है. पहले तो नहीं था, ये भी हमें देख लिया करिए कि एडिशन किसकी है, वो क्या ऑथेंटिकेटेड है. ओके जी, गुड नाइट टू ऑल. थैंक यू सर. थैंक यू. ओके ओके. गुड नाइट सर. गुड नाइट. गुड नाइट. गुड नाइट. गुड नाइट. थैंक्स टू ऑल. Good night, sir. Good night. Good night. Thanks. Good night.